आइसक्रीम भैया। सैयद ने मेरे पर काट डाले, मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, वरना इस नापाक जगह मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। जिस जगह करीम लाला की बहन उसके हाथ पर राखी बांधेगी, कसम खुदा की वो जगह खुद ब खुद पाक हो जाएगी। भैया, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। खुदा के बंदे को खुदा का दर्जा ना दो बहन, मेरे हाथ पर राखी बांधो। इंशाअल्लाह मेरे जीते जी तुम्हारी अस्मत पर कभी आंच नहीं आएगी। ए इंसानों के नाम पे कलंक, ये राखी देख रहे हो? बहन ने अपनी हिफाजत के लिए अपने भाई के हाथ पर बांधी है। हम तेरे गले में कुत्ते का पट्टा बांध देंगे ताकि बहनोई के घर पे साला दुम हिलाते हुए अपनी बहन के आगे पीछे घूम सके। अल्लाह अकबर। खुदाए बंदा करीम, ये कैसा इम्तहान ले रहा है मेरा? एक सच्चा मुसलमान तेरी नमाज कजा कैसे कर सकता है? पर सच्चे मुसलमान का दिया हुआ कॉल अब तेरे हवाले है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मुजरे के वो बोल याद है ना चंपा भाई, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। ले जाओ इसे। भैया,
चलो बहन, आज के बाद तुम इस नर्क में नहीं रहोगी। रिजवान, आइए आइए देश बंधु जी, इस खुशी के मौके पर कोई आप जैसा दोस्त आ जाए तो खुशियां दोबाला हो जाती हैं। अरे भाई, आपका तो हर दिन होली और रात दिवाली जैसी होती है। लेकिन ये खुशी की बात जरा खुलकर बताइए कि शादी की बात अपनी समझ में नहीं आई। उस ब्रिजबान ने जिसने आज तक हार का मुंह नहीं देखा, कुछ साल पहले एक लड़की पर दिल हार बैठा। मैं नहीं मानता, किसी का सालों इंतजार आपकी आदत नहीं है। अरे उस वक्त कच्ची जवानी थी उसकी, हमसे इंतजार नहीं हुआ और हमने घूर घूर कर उसे जवान बना दिया। हाँ तो यूँ कहिए ना कि आज आप वो पकवान खाने जा रहे हैं जो ख्यालों ही ख्यालों में बरसों आपने पकाया है। जरा सोचो देशबंधु, जिस ब्रिजबान ने वक्त का कभी इंतजार नहीं किया, उसने वक्त कैसे गुजारा होगा। ये तमाम रंगीन जिस्म की चारों तरफ फैली रंगीन, ये सब फीकी है उसकी एक नजर के सामने, सब फीकी है। देखो वो लोग आ गए जिन्हें मैंने उसे लाने के लिए भेजा था। ब्रिजबान साहब, बंद करो नाच और चले जाओ यहां से। हमें अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो हमें इन लोगों के साथ जो अपने चेहरों पर नाकामयाबी की कहानी लिखवा कर लाए हैं, जो ये नहीं जानते कि ब्रिजबान के कानों को कोई भी बुरी खबर सुनने की आदत नहीं है, फिर भी ये बुरी खबर लेकर आए हैं। चंपा बाई की डोली अगर अपने कंधे पर नहीं ला सकते थे तो उसकी लाश उठाकर अपने कंधे पर क्यों नहीं लाए, बोलो जवाब। परीमलाला ने आपके गुस्से को ललकारा है सर। ये उसके नए आशिक का नाम है क्या? नहीं सरकार, कलाई पर राखी बांधे उसके भाई का नाम है। हम उसकी कलाई पर जंजीरें बांधकर चंपा बाई के सामने कुत्तों से खिंचवाएंगे। सुना है बम्बई के मुसलमानों की बहुत बड़ी टोली उसके साथ। हमें उस कट्टर हिंदू का नाम बताओ जिसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी टोली हो। अरे अरन, जिसने आज ही मेरा 10 करोड़ का माल चुरा लिया है। एक ने हमसे हमारी महबूबा छीनने की कोशिश की, दूसरे ने हमारे दोस्त से 10 करोड़ का माल छीन लिया। कसम भगवान की, हम दोनों से उनकी जिंदगियां छीन लेंगे। आप करीम की हस्ती को मिटा देना चाहते हैं ना? वो हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। ये जो काम न कर सके वो मेरी बेटी करेगी, मेरी बेटी करेगी। नहीं सलमा की माँ, ये बहुत बड़ा अपराध होगा, ऐसा मत करो। तुमने हमारी तबीयत खुश कर दी। वो कमसिन करीम इस दो धारी तलवार का एक भी वार झेल नहीं पाएगा।